हिंदी। स्वागत है आपका बरेली बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं बरेली की पहली खबर से। शहर से लेकर देहात तक लगातार जंगली कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। शहर में घूम रहे आवारा कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं। देहात में भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। सीबीगंज थाना क्षेत्र में एक 8 साल के बच्चे पर जंगली कुत्ते ने हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना सीबीगंज क्षेत्र के मथुरापुर का रहने वाला अली हसन मंगलवार की देर शाम अपने घर से दुकान पर कुछ सामान लेने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक से आधा दर्जन से अधिक जंगली कुत्तों के झुंड ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। वहां मौजूद लोगों ने मुश्किल से उसे कुत्तों से छुड़ाया, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था। आप भी अपने आस पास देख कर चले और जंगली कुत्तों से सावधान रहे। हम दुकान पर जा रहे हैं कुछ रेंट। अच्छा। सिर में एक अलग 4-5 कुत्ते बैठे हैं, एक काला है, 3 सफेद है। अच्छा। 4। यूपी के बरेली जनपद में लापता शख्स का शव तालाब किनारे मिला। इसकी जानकारी पुलिस और परिवार के लोगों को हुई तो हड़कंप मच गया। आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने पूरे मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। थाना बारादरी क्षेत्र के आजाद नगर गोटिया के रहने वाले हबीब अहमद के रिश्तेदार ने बताया कि 10 दिसंबर को हबीब घर से साइकिल से पीलीभीत बाईपास स्थित एक स्कूल में काम करने के बाद शादी समारोह में जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन देर रात तक वो घर नहीं पहुंचे। परिवार के लोगों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी। मंगलवार देर रात थाना इज्जत नगर क्षेत्र के मुड़िया तालाब के पास शव मिलने की सूचना मिली। परिजनों ने शव की शिनाख्त हबीब अहमद के रूप में की। बता दें मृतक राजमिस्त्री का काम करता था। चर्चा का विषय ये भी बना हुआ है कि हबीब शराब भी पीता था, जिसके चलते कहीं शराब के नशे में तालाब में गिरकर मौत तो नहीं हो गई। पुलिस फिलहाल इस मामले में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही परिवार को मौत का कारण बता पाएगी। नगर निकाय चुनाव 2022 की बिसात बिछ गई है। नवाबगंज से शहला ताहिर फिर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इस बीच राज्य सरकार ने शहला ताहिर के 2012 से 2017 तक पालिका अध्यक्ष रहने के दौरान के कार्यकाल में 47 करोड़ रुपए की अनियमितताएं होने के आरोपों के प्रकरण की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी है। उस कार्यकाल में विशिष्ट ऑडिट हुआ, जिसकी जांच में शहला ताहिर पर आरोप लगे थे। उस वक्त विशिष्ट ऑडिट में 47 करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी। इससे शहला ताहिर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अब पशुओं के लिए चॉकलेट बनाई गई है। ये चॉकलेट पशुओं के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इस चॉकलेट को दुधारू पशुओं के दूध उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। IVRI की ओर से विकसित इस चॉकलेट को यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक का नाम दिया गया है। IVRI प्रबंधन के अनुसार चारा और भूसे में बहुत से पोषक तत्वों की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए ही ये चॉकलेट बनाई गई है। इसको बनाने में गेहूं का चोकर, खली, यूरिया, खनिज लवण का मिश्रण तैयार किया गया है। चॉकलेट के रूप में एक वयस्क पशु को लगभग 500 से 600 ग्राम ये देने पर उसकी अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता पूरी हो जाती है। चॉकलेट को बाजार में उतारने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इसकी मांग अधिक है। संस्थान इतनी मांग की पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसको बनाने के लिए मशीन भी ईजाद की गई है, जिसकी सहायता से एक पशुपालक एक दिन में लगभग 150 चॉकलेट बना सकता है। बिना सुरक्षा उपकरण काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को अब जल्द ही सुरक्षा किट मुहैया कराई जाएगी। इसको लेकर कंपनी को 15 दिन का समय दिया गया है। अगर कंपनी की तरफ से 15 दिन में संविदा कर्मचारियों को सुरक्षा किट मुहैया नहीं कराई गई तो बिजली विभाग की तरफ से सुरक्षा किट खरीद कर संविदा कर्मचारियों को दी जाएगी, जिसका पैसा बिजली विभाग कंपनी को होने वाले भुगतान से काटा जाएगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों चौकी चौराहे के पास बिना सुरक्षा उपकरण के बिजली के पोल पर काम करते समय करंट लगने से संविदा कर्मचारी कैलाश की मौत हो गई थी, जिसके बाद अन्य संविदा कर्मचारियों ने अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मौके पर जमकर हंगामा किया था। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर बिना सुरक्षा उपकरण के ही काम कराने का आरोप लगाया था। सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार शासन प्रयास कर रहा है। बीते माह शासन की ओर से जिला पुरुष व महिला अस्पताल में मरीजों की पैथोलॉजी जांच में सुगमता लाने के लिए हेल्थ एटीएम लगाए गए थे। हैरत की बात तो ये है कि दोनों ही अस्पतालों में इस सुविधा का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि मशीन को निजी मेडिकल कॉलेज और संस्थाओं की ओर से दान में दिया गया है। मशीन में मरीजों की जांच में उपयोग आने वाले रिएजेंट लगे हुए हैं। अब इनके खत्म होने के बाद नए रिएजेंट कहाँ से खरीदे जाएंगे, इस सवाल में प्रबंधन उलझा हुआ है। इसका कारण है कि शासन की ओर से हेल्थ एटीएम संबंधी खरीद के लिए कोई मद भी निर्धारित नहीं किया गया है, जिस कारण हेल्थ एटीएम मशीन से जांच कराने में प्रबंधन उदासीन बना हुआ है।
भाजपा ने भी निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। बरेली महापौर पद के आवेदनों की स्क्रीनिंग करने के बाद 3 नाम तय करने को लेकर 17 दिसंबर को महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें जिला चुनाव प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण सिंह, सह चुनाव प्रभारी विधायक सलील बिश्नोई भी शामिल होंगे। इनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद संतोष गंगवार, वन मंत्री व शहर विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल के साथ महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के एम अरोड़ा भी बैठक में शामिल होंगे। आज के बरेली बुलेटिन में बस इतना ही। बरेली शहर से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए दालीनर हिंदी के साथ। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना आप बिल्कुल ना भूलें।